हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है। आपने दूसरे व्लॉग में देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा था उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया व्लॉग, उसको पूरा देखिएगा। आज जो हमारे सेटअप हुए थे फेज टू हुए थे उसका आज रिजल्ट है। और आज मैं जा रहा हूँ अपने कॉलेज, और वैसे तो आज संडे है लेकिन आज हमारा पीटीएम भी है और मैं जा रहा हूँ अपना रिजल्ट खुद ही लेने जाऊँगा। आपने दुआ करनी है कि मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाए। रास्ते में दिखाया गया कि रास्ता किस तरह का है। कल बारिश हुई थी जिसकी वजह से रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, और चलते हैं अभी तैयार शार भी होना है। मैंने कपड़े तो डाल लिए हैं और अब कंगी शंगी करनी है और जूते भी डालने हैं, जूते शूते डालते हैं और फिर अपना बाइक निकालते हैं। बाइक पे ही जाना है क्योंकि यहाँ से 40-50 किलोमीटर सरगोधा बन जाता है और अपने कॉलेज वहाँ पर ही है। और बाइक निकालते हैं और फिर आपसे मिलते हैं, और अभी कंगी शंगी करनी है। ठीक ग्रे व्लॉगिंग इसकी कहते हैं क्योंकि हाँ हर चीज अपने बारे में बतानी होती है, इसलिए आप बोले बोर नहीं होना। ठीक डाल लें आप अपना बाइक निकालते हैं और फिर ही आपसे मिलते हैं। ये हमारे सामने बाइक खड़ा हुआ है। एक दिन पहले बारिश हुआ है और मैं बाजार गया हुआ था जिस वजह से बाइक की हालत कुछ इस तरह की हो गई है। ये देखे बाइक बहुत गंदा हो गया, लेकिन आज तो लेकर जाना पड़ेगा और फिर इसको कभी वॉश भी करेंगे। हमने बाइक चेक निकाल लिया, अब चलते हैं अपने कॉलेज की तरफ। ठीक है, और रास्ते में ही आपसे मिलते हैं। ठीक है, बाइक तो मैं नहीं चलाऊंगा लेकिन एक दोस्त के साथ एक और लड़का होगा, उसने बाइक चलानी है क्योंकि पाबंदी है, इसलिए मैं बाइक नहीं चलाऊंगा। 125 का एक गुण है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। अगर आप 125 की आप अच्छी लाइफ चाहते हैं ना, तो उसको ना मतलब कहीं ले जाने से पहले थोड़ी देर तक इंतजार कर लिया करें, उसे स्टार्ट कर लिया करें, तकरीबन एक मिनट तक ना उसे स्टार्ट ये करें या दो मिनट तक, फिर ही उसको ना कहीं लेकर जाया करें। ठीक है, इससे जो इंजन है ना उसकी लाइफ अच्छी हो जाती है। और मुबलाए शुला अर्जुन वो तो पता है टाइम पर करवाएं, तब भी जा करना बाइक की हालत अच्छी रहती है और उसकी लाइफ इंजन की अच्छी रहती है। बाहर आए हो रही है, बच्चे खेल रहे हैं देखे, और अभी तक जिस भाई से नहीं आना था वो तो अभी तक आए नहीं। उनको कॉल किया, वो अभी तक ना मोबाइल नहीं उठा रहे, मतलब कॉल नहीं उठा रहे। इनसे कहते हैं मुझे भी खिलाए इतनी देर तक। ये देखे गाइस, वैसे तो हमने अपनी पिच पर खेलना था, वो हमारी पिच के सामने, और कल बारिश हुई आपको पहले ही बताया जिसकी वजह से अपनी पिच पर नहीं खेल रहे। ये देखे इधर ही खेल रहे हैं। ये देखे अभी जाना है रिजल्ट पर और फिर ही जा। अभी तक उस दोस्त को कॉल किया, अभी तक वो नहीं आया। तकरीबन अब 9 बजने वाले हैं, तकरीबन आधे घंटे से ट्राई कर रहा हूँ, उसकी कॉल तो जा रही है लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहा। भाई जी हमने बाइक निकाल लिया, ये देखें ये हम जा रहे हैं कॉलेज की तरफ। ये भाई है जैसे मैंने कहा ये साथ में या बाद में साथ है, और ये भाई है साइकिल चला रहे हैं। तकरीबन 40-50 मिनट का सफर है, स्टे लिया थोड़ी देर के लिए यहाँ पर। ये देखें स्टे लिया, ये हम स्टे लिया थोड़ी देर के लिए, चलते हैं चले चले। और क्या ये हम कॉलेज में पहुंच चुके हैं, ये देखें कॉलेज में पहुंच चुके हैं। और ये कहीं कहीं कर रहे हैं कहीं मन से कहीं लिखा है मुझे भी दे कर लेते हैं, फिर कॉलेज में जाएंगे। रिजल्ट ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह, सारे सब्जेक्ट में पास हो गए। ठीक है, अभी थोड़ा सा काम है, प्लाज भी जाना है वहीं जाना। मीटर हो चुका है, मोबाइल पर ग्लास ग्लास के ऊपर ठीक करवाना था जिसकी वजह से ना अब यहाँ पर आइए देखो प्लाज यहाँ से पता करते हैं चलेगा। और भाई ने आई फोन पता करना है, ये देखो भाई है और बेस्ट है भाई, तो पसंद आता है या नहीं आता। और मैंने अपने मोबाइल पर प्रोटेक्टर करवाना गाइस, प्लाज में जब आया तो हमारा बाइक पंचर हो गया और ग्लास ही नहीं चढ़ाया। ये देखें हमारा बाइक पंचर हो रहा है, भाई पंचर लगाएंगे, बाइक पंचर हो गया। ठीक है, आप करते हैं थोड़ा सा इंतजार और आप तेरी फुर्गा। ये मैं बैठा हुआ हूँ और आप इंतजार कर रहे हैं भाई, आप पंचर लगा रहे हैं वो देखिए। पंचर से चला प्लाज गया और भाई को देते हैं पैसे, भाई को पैसे दे दिए और उनसे बकाया लेते हैं। भाई है और ये हमारा बाइक है, पंचर अब लग गया, पंचर चंचर लग गया। आप चलते हैं सर, तो गिलास ये खरीद लेना था जिसकी वजह से गिलास ही नहीं खरीदा। चलते हैं रहमान प्लाजा, ये हमारा रहमान प्लाजा पहुँचाया, चलते हैं अब मोबाइल पर गिलास लेना। और यहाँ से ना भाई जब पता भी करवाते हैं कि मोबाइल के रेट कैसे हैं। ठीक है, चादर वहाँ पर उतार कर रख दी थी। ठीक है, चलते हैं अब रहमान प्लाजा की, यह देखिए पूरा वी आई पी हॉल है।
कितनी दुकान ग्लास मोबाइल प्लग करवा लिया और ये बैठे शॉप ये फिश भी है बहुत प्यारी फिश है और ये आपका भाई माया गोल मस्जिद चौक में और यहाँ से कुछ खाएंगे यहाँ पर चलते हैं अब गोल मस्जिद में ये जो है यहाँ पर ये दुकान है यहाँ पर चलते हैं हमने ऑर्डर किया समोसा चाट और ये आ चुके और ये देखें ये समोसा चाट आ चुका है गाइस अब खाना शाना हो गया अब चलते हैं वापस और वहीं जाकर आपको रास्ते मिलेंगे या आपको घर जाकर मिलेंगे ठीक है तो कल जाके बोलो मैं अपने जो रिजल्ट था ना उसमें पास हो गया सारे सब्जेक्ट में अल्लाह का शुक्र है और गाइस फाइनली मैं अपने घर आ चुका हूँ और करते हैं यहीं पर अपने ब्लॉग एंड वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे क्या आपको क्या लगा मैं इस तरह कहूँगा यार वाकई मैं इस तरह ही कह रहा हूँ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे अल्लाह हाफिज़ करते